फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ विंडोज एंड रिकमेंडेड डायमेंशन फॉर वेंटिलेटर्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहला टाइप ऑफ विंडोज जो हमारी होती है वो होती है कैसमेंट विंडोज। दूसरी हमारी होती है डबल हग विंडोज। तीसरी हमारी है पिवोटेड विंडोज। चौथी हमारी है स्लाइडिंग विंडोज। पांचवी हमारी है लोअर्ड विंडोज। छठी हमारी है सैश आर ग्लेज्ड विंडोज। सातवां हमारा है मेटल विंडोज। आठवां हमारा है सर्कुलर विंडोज। नवा हमारा है कॉर्नर विंडोज। दसवां हमारा है गैबल विंडोज। ग्यारहवां हमारा है डोरमर विंडोज। बारहवां हमारा है बाई विंडोज। तो ये तो होती हैं हमारी विंडोज की 12 टाइपें हैं। इतनी टाइप की विंडो हमारी बनती हैं। तो आप इसको अगर नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपके अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विंडो की टाइप क्या होती है, विंडो तो आप लोग देखते हैं लेकिन विंडो का नाम भी तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप की विंडो बनती है हमारी। तो ये आप बता सकते हैं, आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कितने टाइप की विंडो हमारी बनती है। तो ये तो हो गया हमारा विंडो का। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा है रिकमेंडेड डायमेंशंस फॉर वेंटिलेटर्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रिकमेंडेड डायमेंशन क्या होता है। वेंटिलेटर अगर छोड़ना हमको ओपनिंग उसकी, तो कितने साइज़ का छोड़ेंगे। तो ये नंबर हो गया आपका, ये साइज ऑफ ओपनिंग और ये साइज ऑफ फ्रेम। ओपनिंग और फ्रेम में हमने 5 mm इधर से 5 mm इधर से मार्जिंग ले रखा है। तो आपका हो जाएगा, अगर साइज ऑफ ओपनिंग आपकी पहली है 600 mm by 600 mm की, पहली जो आपकी ओपनिंग है 600 mm by 600 mm की, और इसका जो फ्रेम बनेगा साइज ऑफ वेंटिलेटर फ्रेम, तो 590 mm by 590 mm का। 10 mm आपका कम क्यों करेंगे, 5 mm इधर से मार्जिंग, 5 mm इधर से, इसमें भी 5 mm इधर से मार्जिंग, 5 mm, 10 mm कम हो जाएगा आपका फ्रेम। ओपनिंग से फ्रेम 10 mm कम रहेगा। दूसरा हमारा है 1 m by 600, तो इसका जो फ्रेम होगा 990 mm by 590 mm। तीसरा हमारा है 1200 mm by 600 mm, इसका जो हमारा साइज ऑफ वेंटिलेटर फ्रेम 1190 mm by 590। तो ये तो हो गया हमारा रिकमेंडेड डायमेंशन फॉर वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का अगर डायमेंशन कोई रिकमेंडेड पूछता है तो अगर आप ये बता सकते हैं कि 600 mm by 600 mm का, 1 m by 600 mm का, 1200 mm by 600 mm का, तो ये आपका जवाब होगा। और उसका फ्रेम आप 5 mm मार्जिंग लेके किसी भी चीज़ का अगर आप फ्रेम बनाते हैं तो जितनी ओपनिंग हो उससे 10 mm छोटा करके बनाते हैं ताकि उसको फिक्स होने में आसानी रहे। तो आज हम लोगों ने सीखा टाइप ऑफ विंडोज़ और रिकमेंडेड डायमेंशन फॉर वेंटिलेटर। तो मैं आशा करता हूँ मेरी इस दी गई जानकारी से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें, ड्राइंग्स और मटेरियल का वेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। और आने वाले टाइम में भी एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें डालूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।